अच्छा, शॉर्ट टर्म डिसीजंस के बाद लॉन्ग टर्म डिसीजंस। लॉन्ग टर्म डिसीजंस के अंदर हम ये इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि यार मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वो पैसा जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मुझे रिटर्न आएगा वो शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म में आएगा, 1 साल 2 साल से ज़्यादा, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, कोई बड़ा प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें इवेल्युएट क्या करना है, हमें इवेल्युएट ये करना है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑब्वियसली हमने पैसा किसी से लिया होगा, तो हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक फाइनेंसिंग होती है। अब जहां से हमने पैसा लिया होगा उसको हमें एक अमाउंट देना है, और जहां हम इन्वेस्ट करेंगे वहां से हम एक अमाउंट जनरेट कर रहे होंगे। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जहां से हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो रिटर्न हमारी कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तब तो हमें फायदा होगा वरना हमें नुकसान हो जाएगा। तो हम लॉन्ग टर्म डिसीजन में ये इवेल्युएट करेंगे कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सही जी ये डिसीजन लेना है। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के मेथड, विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स। एक मसला है, मसला ये कि जो इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है वो इन्वेस्टमेंट मुझे कब करनी है, आज इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से जो मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे वो बेनिफिट्स मुझे कब मिलेंगे, वो बेनिफिट्स मुझे फ्यूचर में मिलेंगे। तो अब मैं बेनिफिट्स को कंपेयर जब करने जाऊंगा कि आज उसकी कॉस्ट क्या लगी और बेनिफिट्स जो है वो फ्यूचर में मिलेंगे, तो कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ रहे पॉइंट को, जी इन्वेस्टमेंट हो रही है आज, टुडे मैंने आज इन्वेस्टमेंट की फॉर एग्जांपल 600,000, और जो उसका रिटर्न मुझे मिलेगा वो रिटर्न मुझे मिलेगा 4 साल तक। अगर टोटल रिटर्न मुझे 4 साल तक मिलता है फॉर एग्जांपल 900,000, प्रॉब्लम क्या है, 900,000 आज की वैल्यू नहीं है, 900,000 क्या है, फ्यूचर वैल्यू। जी तो मैं फ्यूचर वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकता। मैं अगर ये कहूँ कि जी मुझे 300,000 का बेनिफिट हो गया है, 300,000 का पॉजिटिव बेनिफिट हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 600,000 प्रेजेंट वैल्यू में है, ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है, और जो मैं कमा रहा हूँ वो फ्यूचर वैल्यू टर्म्स में। तो अब इसके लिए एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आज फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दूं, मुझे 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, ज्यादा है कम, क्यों ज्यादा ज्यादा मिलेगा, दस हजार वापस मिलना चाहिए, ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है। जी तो मुझे 1 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे कितना इंटरेस्ट अर्न करके देगी, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। तो मैं कहूंगा 10,000 मुझे मेरा प्रिंसिपल वापस करो, 1,000 मुझे इंटरेस्ट वापस करो, टोटल कितना हो गया, 11,000। अच्छा, इन्वेस्ट मैंने आज कितना किया था, 10,000 11,000 मिलेगा कितना। हम ये कह सकते हैं कि ये 11,000 जो है वो इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू है। अब मैं इसको अगर इस टाइम फ्रेम पे रखूं तो आज मैंने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया 10,000 का, और 1 ईयर के एंड पर उसकी वैल्यू क्या हो गई, 11,000। ये एक टाइम लाइन है जिसमें
जिसके अंदर ये फ्यूचर वैल्यू है और ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होती है और प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है। अब हम हमें ये जरूरत पड़ सकती है एग्जाम में कि हमें प्रेजेंट वैल्यू दे दी जाए और हमसे पूछा जाए ये बताओ कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, और ये भी हो सकता है कि हमें फ्यूचर वैल्यू दे दी जाए और हमें कहा जाए ये बताओ कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग। प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो और उसमें इंटरेस्ट ऐड करते जाओ और फ्यूचर वैल्यू बताते जाओ, और अगर हम पीछे आए रिवर्स आए फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्काउंटिंग। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना। और डिस्काउंटिंग क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट। मसलन तुम्हें 10 साल के बाद जो है ना 20 लाख रुपए चाहिए, 10 साल के बाद कितने पैसे चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। तो तुम आज बैंक में क्या अमाउंट इन्वेस्ट करो कि वो 10 साल के बाद 20 लाख रुपए हो जाए? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है? और अगर सिमिलरली मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें 10 साल के बाद 15 लाख रुपए मिलेंगे, ये बताओ कि अगर ये 15 लाख रुपए तुम्हें आज मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं तुम्हें फ्यूचर वैल्यू दे रहा हूं, डिस्काउंटिंग करके तुम्हें उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर लेकर आना। अभी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट आज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, और उससे जो बेनिफिट मिल रहे होते हैं वो फ्यूचर में मिल रहे होते हैं। तो हमें फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करना आना चाहिए ताकि हम डिसीजन ले सकें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो फीजिबल है या हमारी इन्वेस्टमेंट फीजिबल नहीं। अब पहले तो हम कंपाउंडिंग का प्रोसेस सीख लेते हैं। कंपाउंडिंग में दोबारा रिपीट कर दूं, प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाना, इसको क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग। सही जी। अब उसी एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं। अगर मैं आज बैंक में 10,000 इन्वेस्ट करूं और बैंक मुझे इंटरेस्ट रेट पे कर रहा हो 10% पर एनम, तो 2 साल बाद वैल्यू क्या होगी? इसका एक तरीका ये है कि हम कहेंगे जी 10,000 है, 10,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 11, और इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा 11 हो गया, फिर उस 11,000 पे 10% मिलेगा, तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 12,100। इसमें हमारी अजम्पशन क्या होती है कि इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। वो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है हम इंटरेस्ट विदड्रॉ नहीं करते, इंटरेस्ट को भी डिपॉजिट करवा देते, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा हो तो उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सही जी। अब इसी चीज को अगर मैं एक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करूं तो वो फॉर्मूला ये बन जाएगा, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी चीज की तो मैं प्रेजेंट वैल्यू लूंगा 1+r^n। तो इससे मुझे फ्यूचर वैल्यू किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर पता लग सकता है डायरेक्ट। इसके अंदर एफ वी क्या है? फ्यूचर वैल्यू। पी वी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। आर जो है वो है इंटरेस्ट रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, और इसी आर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ये सब इसी के नाम। और एन क्या होगा? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के बाद की वैल्यू निकालनी। तो अब मैं इसको अगर उसी वाली एग्जांपल को इसमें फॉर्मूले में डालता हूँ तो आज मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 10,000। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो मैंने 10% ले लिया आर की जगह। कितने साल बाद की वैल्यू चाहिए? 2 साल के बाद। कैलकुलेट करो,
0.10 Sir, 1.10 का पावर 12 100 वही आंसर आया जो हमने निकाला था जी. तो ये शॉर्टकट है, इससे हमें पता लग गया कि 12,100 का हमें फ्यूचर वैल्यू आ गया. इन्वेस्ट कितना किया था? 10,000. अगर डिफरेंस निकालूं तो 10,000 के ऊपर मुझे 12,100 मिला. इसके ऊपर 10,000 के ऊपर, तो इसका मतलब मुझे 2,100 का इंटरेस्ट मिला 2 साल का, सही? जी. अच्छा जी. सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ 5,000 इन्वेस्ट नाउ at an interest rate of 6% for 10 years. Future value निकाल. तो हम फॉर्मूले में डाल देंगे इसको. 5,000 1 plus 0.06 power 10. हाँ जी, कितना हुआ? 8950. 8950, सही है जी. तो कंपाउंडिंग का प्रोसेस तो बड़ा आसान है. अच्छा, अगर इसी में मैं ये करना चाहूँ कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू ना दी हुई हो और मुझे फ्यूचर वैल्यू दे दी जाए और मुझे कहा जाए कि पीवी फाइंड आउट करो, तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा? डिस्काउंटिंग. इस प्रोसेस को मैं कहूँगा डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग के लिए मैं यही फार्मूला इस्तेमाल कर लेता हूँ और इस फार्मूले को रीअरेंज कर दूँ, तो ये फार्मूला बनेगा फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 / 1 r/n. फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r/n, ये डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला बन गया. इसके अंदर ये जो है पूरा फैक्टर, इसको अगर मैं एक साथ कैलकुलेट करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा उसको कहा जाएगा डिस्काउंट फैक्टर. और इसकी एग्जाम के अंदर एक डिस्काउंट टेबल दी जाती है, उसमें ये सारे फैक्टर्स लिखे हुए होते हैं. लेकिन अगर फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूला हम अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं कि डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, टेबल से भी निकाल सकते हैं. इससे हमें क्या पता लग जाएगा? इससे हमें ये पता लग जाएगा कि फ्यूचर में हमें एक अमाउंट मिलना है, उसकी आज वैल्यू क्या होगी. इसी फॉर्मूले को ज़रा रीअरेंज करके लिख दूँ तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाय 1 + r/n. सही? और इसको मैं और एक और तरीके से लिख दूं कि अगर मुझे डिस्काउंट फैक्टर डायरेक्ट दे दिया जाए तो पीवी निकालने के लिए क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर. तो अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाए और डिस्काउंट फैक्टर आ जाए तो मैं फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट है 10%,
an amount of 500,000 is to be received in 5 years' time. Calculate its present value. 5 साल बाद मुझे 500,000 मिलना है. इंटरेस्ट रेट है 10%. आज इसकी वर्थ क्या होगी तो मुझे 500,000 फ्यूचर में मिलना है. तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ. फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 500,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 1.10 पावर 5. सॉल्व करो. पहले ये फैक्टर निकाल लेना. सर मैंने डायरेक्ट किया 500,000 डिवाइडेड बाय 1.61051. चलो मैं फैक्टर में बता देता हूँ. तो फैक्टर बनेगा 0.621. क्या आंसर बता रहे थे तुम? 310 सर जस्ट अ मिनट 1.61051 सर मिस्टेक हो गया जस्ट अ मिनट. एट जीरो क्या फाइनल आंसर बता रहे हो? हाँ सर ये तो गलत आ रहा है. 80 कैसे आ सकता है? 500,000 फ्यूचर वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू 800,000 कैसे आ सकती है? वो मल्टीप्लाई करना है. थ्री वन जीरो फाइव हंड्रेड याद रखो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम आएगी. ओके मुझे 2 मिनट दो. एक सेकंड रुको. जी सर बिल्कुल. प्रेजेंट वैल्यू का ठीक है जी. अच्छा फॉर एग्जांपल अब जरा हम कुछ एक टाइमलाइन कुछ लगाते हैं. एक से ज्यादा वैल्यू है. ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5. ठीक है. अच्छा 50,000 मुझे रिसीव होगा 1 ईयर में. 60,000 मुझे रिसीव होगा 2 ईयर में. 85,000 रिसीव होगा और 50,000 यहाँ रिसीव होगा. अब सब फ्यूचर वैल्यूज है. ठीक है जी. इन सब की मुझे टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 1 by 1 सब को डिस्काउंट करूंगा और प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊंगा जो ऊपर हमने मेथड सीखा है. सही है जी. तो पहले हम 50,000 को लेकर आते हैं. इंटरेस्ट रेट में अज्यूम कर लेता हूँ 10%. तो जब मैं 50,000 को लेकर आऊंगा तो 50,000 का टाइम फ्रेम कितना? 1 साल जी. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 पावर 1. फिर 60,000 को लेकर आऊंगा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 पावर 2. सही. तो किसी भी चीज को जब मुझे उठाकर जीरो पे लेकर आना है तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो देखकर मैं पावर लगा दूंगा. तो अब इसी तरह 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 पावर 3. 85,000 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 पावर 4. एंड 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 पावर 5. तो ये हमारे पास सबकी वैल्यूज निकाल.
ये बनता है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909 फैक्टर जो बनेगा, और ये बनेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5454 सही सेकंड फोर नाइन फाइव सिक्स जीरो फाइव सिक्स फाइव टू फाइव सेवन जीरो फाइव टू फाइव सेवन जीरो फाइव एट जीरो डबल फाइव जीरो डबल फाइव 31050. ये क्या आ गई? जितने भी फ्यूचर में एक अमाउंट हमें मिलने वाले हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू आ गई जी. ये सब जीरो पे ले आए हम. अब इसको सम कर लो, सबको प्लस कर लो. टू थ्री डबल सिक्स एट नाइन टू थ्री डबल सिक्स एट नाइन ये क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू. अभी कैश फ्लोज मुझे मिलने वाले ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. सही जी. अच्छा, इसमें एक वैरायटी बार दफा क्या आती है कि जो कैश फ्लोज होते हैं ना वो हर साल कांस्टेंट हो जाते हैं. पर कांस्टेंट नहीं थे, अलग अलग थे ना जी. ये क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए. तो जब कैश फ्लो कांस्टेंट हो जाते हैं ना, तो कांस्टेंट कैश फ्लोस को के लिए एक टर्म यूज की जाती है, इसको कहा जाता है एनयूटी, कांस्टेंट कैश फ्लोस फॉर अ डिफाइंड टाइम पीरियड. जैसे 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, टाइम पीरियड डिफाइन होना जरूरी. अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इन सबको इंडिविजुअली जीरो पे लेकर आऊँ, चारों को, जैसा अभी हमने पीछे एग्जांपल की है. सही है, इसका एक शॉर्टकट है. शॉर्टकट ये है कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू अगर एनयूटी की निकालनी है तो मैं सिंगल वैल्यू लूंगा एक मरतबा 50,000 और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एनयूटी फैक्टर से, डायरेक्ट एक साथ सॉल्व हो जाएगा. एनयूटी फैक्टर कैसे निकालूंगा? 1 - 1 + r^n / r. ये जो एनयूटी फैक्टर होगा ना, ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल का क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा. चारों का डिस्काउंट फैक्टर कंबाइन हो जाएगा. ट्राई करें. 50,000 एक वैल्यू ले ली सिंगल, सही है जी. 1 - 1 + 0.10 - 5 = 4. मैंने 4 रखे ना. ओह, 0 एक्सक्लूडेड. हाँ, 0 कंसीडर नहीं करेंगे. 4 0.10. अब इसको सॉल्व करो.
31.7 कितना? जस्ट 31.7 मल्टीप्लाई 158 158 5000 5000 या 500? सर 5000 फैक्टर कितना आ रहा है इसका? 1 माइनस 1 प्लस 0.10 माइनस 4 0. अच्छा नीचे 0.010 नहीं है, 0.10 माइनस टेक में ओके 0.10. तो इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर पहले निकालो, फैक्टर क्या आता है सेपरेटली सॉल्व करो फैक्टर को. सर 3.138 आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे. मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लाई 10^-3 क्या मतलब? मल्टीप्लाई 10^-3 ये आंसर किसका है? 3.138 सर फैक्टर फैक्टर तो फैक्टर 50,000 से मल्टीप्लाई होगा सर. 0. फैक्टर में ना 0.317 डिवाइडेड बाय 0.10 तो आंसर आ रहा है 3.138 इनटू 10^-3. गलत आ रहा है आंसर जो है ना वो पॉइंट्स में नहीं आएगा. मैं बताता हूँ तुम्हें आंसर क्या आएगा. एक काम करो जी इसको ऐड करो 0.909.826.751.683 इन तीनों को चारों को प्लस करो. ये सही आंसर है तुम्हारी कैलकुलेशन उसका ये आंसर आना चाहिए. अब इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो. 158,450. इसी को अगर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें तो नॉर्मल तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ इसको. अलग अलग करके ना 1, 2, 3, 4 50,000 का कैश फ्लो फिर 50,000 का कैश फ्लो और फिर ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा. और 9098267516 83 अब मल्टीप्लाई करते जाओ सबको आपस में. 50,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करो. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 0, 4, 5, 0 नेक्स्ट करो. 4, 1, 3, 4, 1, 3, 100, 4, 1, 300, 4, 1, 300, जी नेक्स्ट 3, 7, 5, 0 37550 314 34150 34150 अब इन सबको प्लस कर लो. 37550 41300 सेम आंसर आया जी बिल्कुल. ऊपर वाला जो मेथड है वो शॉर्टकट है. तो शॉर्टकट कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हर साल जो अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है वो सेम रहेगा, विच इज कॉल्ड एन्यूटी.
सही है. फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ 10,000 विल बी रिसीव पर एनम फॉर 6 years. Interest rate is 15%. Calculate present value. अब दो तरीके, 10,000 को हम अलग अलग करके कैलकुलेट कर लें या एन्यूटी फैक्टर लगाकर एक साथ कैलकुलेट कर लें. तो हम एन्यूटी फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाते हैं. तो हमारे पास 10,000 वन माइनस वन प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15. इसको सॉल्व करो. सर 37866 37867 867. सही है. अच्छा, इसी तरह बाज़ दफा क्या होता है कि हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा हर साल. सही है. कब तक दूंगा? कोई टाइम फ्रेम नहीं है. इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक दूंगा. इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कैसे निकलेगी? तो इससे हम पता क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अ कॉन्स्टेंट सम, अ कॉन्स्टेंट अमाउंट फॉर इनडेफिनेट टाइम is known as perpetuity. Means defined period of time के लिए हो तो एन्यूटी, और अगर टाइम फ्रेम इनडेफिनेट हो जाए तो perpetuity बन जाती. Now, सही है. Present value of perpetuity कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होगा आपका, जो भी एनुअल अमाउंट हमें मिलेगा, एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1/r. ये फॉर्मूला होगा. और ये जो 1/r है इसको हम कहते हैं परपीचुटी फैक्टर. सही. फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10,000 पर एनम मिलता है फॉर एवर, और
इंटरेस्ट रेट है 8%, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 10,000 एनुअल कैश फ्लो की जगह लिया, 1 डिवाइडेड बाय 0.08 निकालो। $125,000. अब तीन चीजें हो गई, एक वो वैल्यू जो हर साल मिलेगी लेकिन डिफरेंट होगी, एक वो वैल्यू जो हर साल मिलेगी लेकिन सेम होगी, और एक वो वैल्यू जो सेम होगी लेकिन टाइम फ्रेम नहीं पता होगा। ठीक है, अब हम ये जो कैलकुलेट कर रहे थे ना, इसको कैलकुलेट करने के पीछे हमारा एक पर्पस था, और पर्पस ये था कि जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो हमें इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना पड़ेगा, और उस इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल के हमारे पास तीन मेथड्स हैं सिलेबस में। एक मेथड है हमारा जिसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी। दूसरा मेथड है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। और तीसरा मेथड है हमारा जिसको हम कहते हैं पेबैक। और भी मेथड होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में ये तीन मेथड। तो जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम अपनी किसी भी मेथड से उसको असेस करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट वायबल है, फीजिबल है, करनी चाहिए या नहीं करनी। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे पहले ट्राई करते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एनपीवी क्या होती है और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखो, अगर हमने किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली तो उसके दो आउटकम हो सकते हैं, एनपीवी पॉजिटिव भी आ सकती है और एनपीवी नेगेटिव भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव आएगी तो इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, और अगर नेगेटिव आएगी तो हम कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, ये इसका डिसीजन क्राइटेरिया है, इस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आज हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, सही है, और फ्यूचर में हमें उस पर कितना बेनिफिट मिलेगा, और उसको फिर हमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक डेटा दे देता हूँ, वो डेटा है फॉर एग्जांपल इसकी हम एनपीवी निकाल लेते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी है फॉर एग्जाम्पल 30,000, सही है। ये इन्वेस्टमेंट अब कब करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट आज करेंगे, उसके बाद हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो बेनिफिट्स हमने दिखा दिए 1, 2, 3, 4, 4 साल तक हमें बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट हमें मिलेगा 8,000 का, दूसरा मिलेगा 10,000 का, तीसरा मिलेगा 15,000 का, और चौथा मिलेगा 14,000। ये 4 बेनिफिट्स मिलेंगे, 30,000 लगाएंगे, और हर साल जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे साल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट 30,000 की आज हो रही है, और बेनिफिट्स कब मिल रहे हैं, पहले साल, दूसरे साल, तो टेक्निकली ये बेनिफिट्स फ्यूचर वैल्यू टर्म्स में, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको उठाकर जीरो पे लेकर आना पड़ेगा, सही है, जो अभी हमने किया है, चाहिए। तो हम एक चार्ट ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, क्लियर, कैश फ्लोस, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके अंदर जीरो भी ले लेते हैं, 1 भी ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं, ठीक है। जीरो के ऊपर
क्या दिखाना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है तो माइनस में दिखा दिया, सही है। जी और पहले साल कितना मिलेगा हमें? 8,000, दूसरे साल 10,000 और 15 और 14,000, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। वो डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 10% ना, जीरो पर हमेशा वन होगा। पहले साल का क्या होगा? तो मैंने ये डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला लगाया, 1 + 0.10 power 1, इसका आंसर निकालो। सही है। पावर वन की जगह टू करोगे तो 0.826 आ जाएगा, थ्री करोगे तो 0.75 आ जाएगा, फोर करोगे तो 683 आ जाएगा। ये क्या है? ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ आपस में। सेवन टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सेवन कर देंगे 6 6 0 8 0 8 11265 11265 9562। सही है जी। ये जो आंसर आ रहे हैं ना, ये सब जीरो के ऊपर आ गए, ये सब जीरो के ऊपर। इसमें से एक वैल्यू माइनस है और बाकी चार वैल्यूज पॉजिटिव है, सही है जी। अब इन चार पॉजिटिव वैल्यू को प्लस करो, थ्री फोर सेवन जीरो सेवन पॉइंट सेवन इसमें से 30,000 माइनस कर दो, फोर सेवन जीरो कितना आंसर आया? फोर सेवन जीरो सेवन पॉइंट सेवन ये आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू। पॉजिटिव आ रही है जी, क्या मतलब? प्रोजेक्ट इज फीजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने 30,000 लगाया और प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 34,707 कमाया, तो एक्सिस कितना कमाया? 4707। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज नोट करो केयरफुली, कितना डिस्काउंट रेट था ये जो हमने रखा था? 10%। 10% के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है? 4707। अच्छा देखो, 10% फॉर्मूले में नीचे है ना जी, तो जब ये 10% को मैं 11 रखूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, 12 रखूंगा और कम हो जाएगी, 13 रखूंगा और कम हो जाएगी, तो जो डिस्काउंट फैक्टर है उसका और प्रेजेंट वैल्यू का क्या रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स। पीवी इज इनवर्स टू डिस्काउंट रेट एज डिस्काउंट रेट इंक्रीजेस, तो P
PV decreases as discount rate decreases, so PV increases. सही है जी. अच्छा अब ये जो चार्ट है ना जो हमने बनाया है इसको मैं दोबारा बनाता हूँ लेकिन अब डिस्काउंट फैक्टर में 15% ले लेता हूँ अपनी तरफ से ना. डिस्काउंट फैक्टर रख देते हैं 15% और चेक करते हैं पीवी क्या आएगी. तो 30,000 था ना. अच्छा जी 30,000 आठ दस पंद्रह चौदह. अच्छा जी पॉजिटिव था आठ दस पंद्रह. डिस्काउंट फैक्टर 15% निकालने के लिए अब तुम फॉर्मूला लगाओ 1 + 0.15 power 1. बताते जाओ पावर चेंज करते जाओ मुझे आंसर बताते जाओ. Zero point seven five six. Zero point six five seven five. मल्टीप्लाई करते जाओ सबको. सिक्स नाइन फाइव टू. Seven five six zero. Nine eight seven zero. Eight double zero eight. अब इन सबको प्लस माइनस करो. दोबारा चेक करो कैलकुलेशन. Two three nine zero minus total NPV minus positive. positive आ रही है पक्की बात है. जी जी 32,000 ऐड करके complete 32,000 two three three ninety nine zero nine zero positive आ रही है ना. सही है 15% पे positive आ रही है. सही है. अब एक काम करते हैं इसको 20% पे कैलकुलेट करते हैं.
फिर दोबारा ये 30,000 था, 14,000 था, ये 15,000 था, ये 10,000 था और ये 8,000 था। हाँ, 8,000 डिस्काउंट फैक्टर रख रहा हूँ 20%, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.20 पावर 1 फैक्टर निकालते जाओ। सॉरी सर, इज 6,664 किसका? 8,000 ईयर वन का फैक्टर है मल्टीप्लाई के बाद। हाँ बिल्कुल सर, फैक्टर 0.833 और मल्टीप्लाई करने के बाद 6,664। ट्रिपल सिक्स फोर, चलो अगले पे आ जाओ। जीरो पॉइंट सिक्स नाइन फोर डिस्काउंट फैक्टर। 0.694 1.728 मल्टीप्लाई करने के बाद? नो नो, डिस्काउंट फैक्टर किसका? थर्ड ईयर का? थर्ड ईयर का क्या बता रहे हो? 1.728 वन तो आ ही नहीं सकता, पॉइंट में आंसर आएगा। जीरो पॉइंट फाइव सेवन एट डिस्काउंट फैक्टर। 0.578 सेवन जीरो पॉइंट फोर एट टू थ्री 4823 मल्टीप्लाई कर दो। सिक्स नाइन फोर जीरो इसका जी 8670 8670 6752.2 6752 अब इन सबको नेट ऑफ कर। 8670 6940 2926 9773.8 माइनस प्लस माइनस नेगेटिव कितना? 9973.8 बारह आठ बीस छब्बीस नहीं 97 तो नहीं आएगा, दोबारा चेक कर। 29026 974 माइनस तो ये एनपीवी कितनी आ गई सर? पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ 30,000 माइनस 2926
तो 974 पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव आ रही है, कितनी कितनी जी, पॉजिटिव आ नाइन रही है? सेवन फोर 974 पॉजिटिव सर। 974। मैं चाह रहा था एक नेगेटिव आ जाए लेकिन आई नहीं नेगेटिव। चलो कोई बात नहीं, एनपीवी की प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी इसी बार। तो ये तुम्हारा एनपीवी का